CCNA Chapter 5 Part 4 RIP. दोस्तों मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम जानेंगे RIP क्या होता है और RIP पे कैसे वर्क किया जाता है. लास्ट वीडियो में हमने देखा स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, कैसे उस पे काम किया जाता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई स्टैटिक राउटिंग करने में. और हमने डिस्कस किया था कि जब डायनामिक राउटिंग हम करेंगे तो कुछ जो लिमिटेशंस थी स्टैटिक राउटिंग की वो हट जाएंगी. लाइक बहुत बड़े नेटवर्क में एक प्रॉब्लम था कि किस तरीके से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उन सबको मैनेज करे. तो स्टैटिक राउटिंग हमने खत्म किया अभी तक. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक राउटिंग. डायनामिक राउटिंग में RIP आता है फर्स्ट नंबर पे. फर्स्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू कॉन्फ़िगर है. वैसे अब CCNA के लेटेस्ट एग्जाम में आपसे RIP नहीं पूछा जाएगा, मगर ये आना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी भी कई कंपनीज में, कई स्मॉल कंपनीज में, मिड साइज कंपनी में RIP अभी भी यूज होता है. और इसके साथ ही इंटरव्यू के टाइम पे आपसे RIP के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आई सजेस्ट कि आपको RIP आना चाहिए और RIP बहुत ही इजी है. तभी हमने सबसे पहले इसी को लिया ताकि आप इजी चीज से शुरुआत करें तो आपका बेस जो है स्ट्रांग हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं RIP. RIP की फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ये डेवलप हुआ था 1969 में, जैसे कि बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है. इसका काम होता है राउटिंग करना. ऑब्वियसली राउटिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी है तो हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे. RIP जो प्रोटोकॉल है वो ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, प्रोप्राइटरी नहीं है, किसी का रिजर्व किया हुआ है, किसी का बनाया हुआ नहीं है. जैसे कि EIGRP प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है सिस्को का. आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ये एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है EIGRP. EIGRP कोई और राउटर मैन्युफैक्चरर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिस्को ही यूज कर सकता है, मगर RIP के केस में ऐसा नहीं है. ये कहीं भी यूज हो सकता है. लाइक जूनिपर जो कि सिस्को के एक कंप्यूटर कंपनी है, जूनिपर में भी हम RIP यूज कर सकते हैं और कई सारे राउटर्स और भी हैं. तो खैर हम बात कर रहे हैं सिस्को की तो हम सिस्को पे ही फोकस करेंगे. कंटिन्यू करते हैं RIP. तो RIP जो आया था 1969 में उसको नाम दिया गया था RIP वर्जन 1. RIP के दो वर्जन हैं, RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2. RIP वर्जन 1 बहुत समय हो गया बंद हुए, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. बहुत सारी कमियां थी जो कि RIP वर्जन 2 के अंदर सॉल्व कर दी गई. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस थे ताकि आपको पता लगे कि क्यों जो RIP वर्जन 2 है वो लेके आया गया. RIP वर्जन 1 जो था वो ब्रॉडकास्ट करता था, RIP वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है. पॉइंट नंबर 1, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट क्या मतलब है इसका. RIP जो एक प्रोटोकॉल है वो एक गॉसिप प्रोटोकॉल है. मतलब वो क्या करती है, वो अपने नाइबर को, अपने पड़ोसी राउटर को अपने बारे में बताती है. लाइक हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहां पे जाके हम जो भी लोग हमें मिलते हैं उनसे हैंडशेक करते हैं और उनको अपना नाम बताते हैं और उनको बताते हैं कि हम कहां से हैं और हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास जो होती है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं. तो RIP प्रोटोकॉल भी ऐसा ही करती है. जो भी कनेक्टेड राउटर होते हैं उनके साथ अगर उसमें भी RIP चल रहा है तो वो अपने बारे में डिटेल शेयर करना शुरू कर देती है. एक नेटवर्क डायग्राम शो करके मैं आपको पहला पॉइंट ब्रॉडकास्ट के बारे में बताना चाहूंगा. ये एक नेटवर्क डायग्राम पैकेट ट्रेसर मैंने पहले ही बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो बनाते हुए आपका. और अभी हम RIP का जो प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको भी इसी को हम यूज करेंगे. तो ब्रॉडकास्ट से हमारा कहने का मतलब था राउटर नंबर 1 जो है, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं क्योंकि वो बाद में समझाना ही है प्रैक्टिकल करते समय. एक राउटर है, राउटर नंबर 1, इस इंटरफेस पे आईपी डला हुआ है 192.168.1.2, इस इंटरफेस पे 10.0.0.1 और एक हब के साथ कनेक्टेड है. दो कंप्यूटर, इसका आईपी है 192.168.1.10, इसका 192.168.1.11. दूसरे एंड पे आईपी और इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना. हम बात कर रहे थे
ब्रॉडकास्ट की, हम बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट की। तो होता क्या है, राउटर नंबर वन हमने लगाया, राउटर नंबर टू हमने लगाया, और दोनों में हमने रिप प्रोटोकॉल को अनेबल कर दिया। तो होगा क्या, राउटर नंबर वन जैसे ही रिप अनेबल हुआ, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज अनेबल करेगा। मैं बात कर रहा हूं रिप वर्जन वन की। तब क्या होता था, जैसे ही रिप अनेबल किया, रिप वर्जन वन, वो ब्रॉडकास्ट करेगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन सभी को भेजेगा। जैसे इस इंटरफेस से इंफॉर्मेशन जाएगी, इस इंटरफेस से इंफॉर्मेशन जाएगी, राउटर नंबर वन को पता है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, रिप की इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूं, वो राउटर नंबर टू के लिए तो यूजफुल हो सकती है, मगर इन कंप्यूटर्स के लिए तो वो यूजफुल है ही नहीं। क्योंकि वो कैसे काम करती है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा क्लियर होता आपको होता रहेगा। जो रिप की इंफॉर्मेशन होती है, वो कंप्यूटर के लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो दो राउटर्स के लिए या दो से दो ज्यादा राउटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं, तो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है राउटर्स के लिए। तो वो क्या करेगा रिप वर्जन वन में, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या अटैच है, अगर स्विच अटैच है तब भी ब्रॉडकास्ट जाएगा, अगर कोई कंप्यूटर है सबके पास वो ब्रॉडकास्ट कर देता था। मगर रिप वर्जन टू के अंदर इस चीज को इम्प्रूव किया गया, वो मल्टीकास्ट करता है, वो वही इंफॉर्मेशन भेजता है जहां पे वो रिक्वायर्ड होती है, मतलब राउटर के पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी, जो मैसेज जाएगा कंप्यूटर के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में। ब्रॉडकास्ट सब जगह भेज देता था, मल्टीकास्ट जहां रिक्वायर्ड होगा वहीं भेजेगा, उसको पता है राउटर है तो भेजेगा, उसको पता है यहाँ पे अगर कंप्यूटर लगा है तो वहां नहीं भेजेगा। पॉइंट नंबर टू, डू नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। रिप वर्जन टू के अंदर इंप्रूव कर दिया, क्या किया, सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब है हमारा, ऑथेंटिकेशन से मतलब ये है, राउटर नंबर वन राउटर नंबर टू हमने जोड़े थे, हमारी कंपनी ने ऐड किए थे, लेट्स से एग्जांपल, राउटर नंबर थ्री हमने नहीं जोड़ा। क्या हुआ, कोई भी एम्प्लॉय आया या कोई हैकर आया कंपनी के अंदर, उसने केबल लगाई राउटर नंबर टू के साथ और राउटर नंबर थ्री पे रिप अनेबल कर दिया। तो राउटर नंबर टू को लगेगा कि जो राउटर अटैच हुआ है राउटर नंबर थ्री, उसके अंदर भी रिप है, तो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो जो उसको पता था, अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा राउटर नंबर थ्री के पास। हुआ क्या, राउटर थ्री हमने नहीं लगाया, हैकर ने आके लगा दिया, मगर राउटर टू को उस पर ट्रस्ट हो गया और उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करनी शुरू कर दी। तो ये काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, तो इसको इम्प्रूव किया वर्जन टू के अंदर। उन्होंने क्या कहा, ऑथेंटिकेशन के अंदर उन्होंने एक की डिफाइन कर दी कि अगर हम ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं तो राउटर नंबर टू के अंदर भी एक की डालेंगे, राउटर नंबर थ्री के अंदर भी एक की डालनी होगी, अगर वो की मैच करेगी तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे, अदरवाइज डिटेल शेयर नहीं करेंगे। मगर वर्जन टू के अंदर भी ये हमें करना पड़ता है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर हम चाहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो ऑथेंटिकेशन का जो मेथड है वो अवेलेबल है, इट्स डिपेंड ऑन अस कि वो हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया, थर्ड पॉइंट है, थर्ड और पॉइंट आपस में रिलेटेड पॉइंट है, मगर आपको बेहतर समझ में आया इसके लिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। डू नॉट सपोर्ट VLSM। VLSM आपको पता है, हमने चैप्टर टू के अंदर सबनेटिंग करी थी, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क हमने पढ़ा था। तो जो रिप है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आप पहले चैप्टर टू देखें, ताकि हम रिप के अंदर सबनेटिंग भी यूज करने वाले हैं, इस वीडियो में तो नहीं मगर अगली वीडियो में जरूर हम यूज करेंगे, तो आपको सबनेटिंग आनी चाहिए, अगर आती है तो वेल एंड गुड है। चलिए, तो पॉइंट नंबर थ्री के अंदर क्या था, वो सपोर्ट नहीं करता था VLSM, और रिप वर्जन टू के अंदर VLSM सपोर्ट करता है, मतलब क्या है इसका। पॉइंट नंबर पहले फोर पढ़ते हैं फिर समझेंगे। पॉइंट नंबर फोर है, डू नॉट सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट सबनेट मास्क। रिप वर्जन टू के केस में सेंड इंफो अबाउट सबनेट मास्क, बट वी हैव टू ऑफ ऑटो समरी। क्या मतलब है इसका, जो वर्जन वन था, वर्जन वन में हम सबनेटिंग यूज नहीं कर सकते थे, मगर वर्जन टू के अंदर सबनेटिंग पॉसिबल है, अगर हमने किसी नेटवर्क का सबनेटिंग किया हुआ है तो वो हम नेटवर्क सबनेटिंग वाला यूज कर सकते हैं।
वर्जन वन जो था वो सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं भेजता था, वो सिर्फ आईपी एड्रेस की डिटेल भेजता था। जैसे फॉर एग्जांपल राउटर नंबर वन है, राउटर नंबर वन का जो आईपी है 192.168.1.2 है, वो ये आईपी ही राउटर नंबर टू के पास भेजेगा, भले ही ये /24 हो या /8 हो या /16 हो, जो मर्जी हो, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन नहीं भेजता था। तो ये प्रॉब्लम थी, सबनेटिंग यूज नहीं कर पाते थे, तो रिप वर्जन टू के अंदर इसको इंप्रूव कर दिया गया। मगर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भेजता है रिप वर्जन टू, मगर वो हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हमें देखनी है तो हमें ऑटो समरी को ऑफ करना पड़ता है। ये भी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, ये वाले पॉइंट को भी मैं आपको शो करूंगा कि ऑटो समरी से मेरा क्या मतलब है। खैर, ये तो थी थ्योरी आपकी खत्म हो गई यहाँ पे, थैंक यू वाली स्लाइड, मगर अभी हमारा प्रैक्टिकल अभी बाकी है। तो चलो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। नेटवर्क डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने नेटवर्क डायग्राम आपको समझा दिया है। एक कंप्यूटर 11.11.1.10 यहाँ अटैच है, और सेम नेटवर्क का जो गेटवे हमने यहाँ दिया 192.168.1.2, यहाँ पे 10 की आईपी चल रही है, यहाँ पे 20 की आईपी चल रही है। बहुत ही इजी डायग्राम, और हम कोशिश करेंगे कि इसी डायग्राम को लेके हम आगे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें, क्योंकि एक बार नेटवर्क आपके माइंड में सेट है तो आपको नेटवर्क समझने में तो एटलीस्ट अपना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ अभी रिप की कॉन्फ़िगरेशन में फोकस करेंगे। अगर आपको नेटवर्क डायग्राम थोड़ा सा वीडियो पॉज करके समझना है तो प्लीज समझिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर आईपी दे देते हैं, आईपी देते हैं इसको जो दिया हुआ है हमने 192.168.1.11 192.168.1.2। अब आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे कि 1.2 हमने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि मान के चल रहा हूं आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देखी हैं। डेस्कटॉप में क्लिक किया, आईपी क्या देना है 192.168.1.10 192.168.1.2, ठीक है ये भी हो गया। इन कंप्यूटर्स को भी आईपी दे देते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएं। 192.168.2.10 192.168.2.2, वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट टू डॉट टेन सॉरी गलती हो गई, इसको हम कर देते हैं 11, माय मिस्टेक। 192.168.1.2.11 192.168.2.2, डन। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, कंप्यूटर में आईपी दे दिया, अब बारी आती है राउटर नंबर वन की। Enable config T, इंटरफेस कौन सा है, पहले इंटरफेस F0/1 पे जाते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0। अभी हम सबनेटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम रिप को समझेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है। अभी इसके आई थिंक 1 और 2 वीडियोस और इसमें हैं आगे आने वाली, जो कि जिसमें हम रिप को ही डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके। ठीक है जी, अभी आप देख रहे हैं ये अपना रेड है पॉइंट, होपफुली इसको अप हो जाना चाहिए, अप हो गया। इस इंटरफेस से बाहर आते हैं, इंटरफेस में जाते हैं दूसरे F0/0। आईपी क्या दें यहाँ पे, आईपी एड्रेस हमने पहले ही लिखा हुआ है ऊपर, 10.0.0.1.255.2.0.0.0
नो शट, ठीक है जी। अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, पहले आईपी देने का काम खत्म करते हैं। सीएलआई अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2.255.0.0.0 नो शट, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट भी ग्रीन हो गया। अब इस इंटरफेस से आते हैं बाहर, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 20.0.0.1.255.0.0.0 नो शट, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी कॉन्फ़िगर। अब आते हैं इस राउटर पे, हमारा लास्ट राउटर अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.0.255.0.0.0 सॉरी, जीरो की जगह पे यहाँ पे हमने आईपी देना था, हमने नेटवर्क आईडी दे दी, नो शट। इस इंटरफेस से बाहर आए, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आईपी एड्रेस दिए हैं, बहुत ही सिंपल रिप। अभी क्या था, स्टैटिक राउटिंग के केस में आपको पता है ना कि हम अगर हम इस राउटर की बात करें तो इस राउटर को ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस पता है, मतलब 192.168.1 का नेटवर्क पता है और 10 का नेटवर्क पता है। उसको मैनुअली 20 देना पड़ता और 192.168.2.2 का नेटवर्क देना पड़ता, मतलब सभी राउटर के केस में जो जो नेटवर्क उसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे उनका सभी का डिटेल देना पड़ता। और अगर अभी तो ये 3 है, 30 होते तो क्या होता, उससे ज्यादा होते तो क्या होता। डायनामिक जो प्रोटोकॉल है उनकी ब्यूटी ही यही है कि उसमें हमें मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, बस एक प्रोटोकॉल रन करनी पड़ती है, सारी हेडेक जो है वो प्रोटोकॉल की है, एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अच्छा, अभी देखिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, अभी हम राउटर के अंदर जो हमारा इंटरफेस है प्रोटोकॉल का उसमें चले जाएंगे। हमें टाइप क्या करना है, राउटर रिप। अब ये कमांड आपको नोट करनी है तो आप नोट कर लो, राउटर रिप। उसके बाद टाइप करना है version 2। उसके बाद पहले बताया राउटर रिप, उसका बताया वर्जन कौन सा, version 2। उसके बाद क्या करना है, जिस राउटर पे हम काम कर रहे हैं उसके साथ जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, जो नेटवर्क उस पे चल रहे हैं उसको एडवर्टाइज करना है, उनको बताना है। मेरे पास राउटर 1 पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, एक तो चल रहा है 10 का, तो मैं यहां डालूंगा नेटवर्क 10.0.0.1। और कहां चल रहा है, नेटवर्क 192.168.1.2। एक कमांड और, नो ऑटो समरी, मैंने आपको बताया था, अभी आप जस्ट नोट कीजिए नो ऑटो समरी। इसका फायदा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। इस राउटर का काम हो गया खत्म, इसको मैं कर रहा हूं बंद। उसके बाद राउटर 2 पे आते हैं, इंटरफेस से बाहर। अब हम लिखेंगे राउटर रिप। अब आप ये देख रहे हैं कंसोल, लास्ट में भी ऐसे था, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। आईपी कौन सा देना है, नेटवर्क कौन कौन से हमने इसमें एडवर्टाइज करने हैं, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.2 नेटवर्क 20.0.0.1 नो ऑटो समरी। ए लिख के अगर आप टैप प्रेस करेंगे तो वो पूरी कमांड ले लेगा। इसके बाद हमारा
तीसरा राउटर, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 20.0.0.2, नेटवर्क 192.168.2.2, नो ऑटो समरी। ठीक है, ये हमने किया। अब कायदे से ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब अगर हम पिंग करें तो रिप्लाई आना चाहिए। देखते हैं अभी कनेक्ट है कि नहीं है। हमने किया क्या, हमने रिप अनेबल किया, रिप में एडवर्टाइज कर दिए जो जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे। अब हम इसको पिंग करते हैं। पिंग 192.168.2.10, लेट्स सी क्या होता है। पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा रिप्लाई आ गया। पहला जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, मैं काफी वीडियो से बोले जा रहा हूं कि ये ARP होता है, ये ARP के लिए जो टाइम आउट हो गया। ARP होता क्या है, अब इस वीडियो के आखिरी में आपको ARP की वीडियो सीरीज मिलेंगी, उनको आप देखिए। अगर आपको पता है ARP क्या होता है देन वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता ARP क्या होता है तो उस वीडियो को आप देखिए, तो आपको रीजन पता लगेगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ क्यों, अब नहीं होगा ये। ठीक है, तो मतलब इस कंप्यूटर से 1.10 से मैंने पिंग किया 2.10 को, जो कि है ये कंप्यूटर और डायरेक्टली कनेक्टेड है, पिंग आ रहा है। तो ये ब्यूटी थी रिप की, रिप की नहीं कहेंगे हम, बोलेंगे डायनामिक राउटिंग की ब्यूटी थी, कि इसमें कितने भी राउटर होते तो हमें मैनुअली कोई भी काम नहीं करना था, हमें ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ARP की वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, होता क्या है वो। रिप के बारे में आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको रिप के बारे में पता लगेंगी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही इजी समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।